तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले की सारी वीडियोस, सारे थ्योरम्स अपलोडेड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप वो वीडियोस को भी देखकर अपनी स्टडीज को और इम्प्रूव कर रहे हैं। और चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। जब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं तो इसमें क्या बोला, सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टैंजेंट, मतलब इसको और इसको टैंजेंट बोला है, वो तो हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि वो सर्कल को टच कर रहा है। और आपको क्या बोला, प्रूव दैट OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MON। एंगल MON का ये क्या है, बाइसेक्टर है, और एंगल MRN का भी बाइसेक्टर। अच्छा भाई लोग, बाइसेक्टर कब होता है, कब होता है बाइसेक्टर? सपोज ये मेरे पास एक एंगल है और यहाँ से मेरा क्या है, ये मैंने एक लाइन निकाल दिया, तो मैं इसे बाइसेक्टर बोलेगा क्या? नहीं रे, क्या करने का, जब ये एंगल इक्वल होगा ना तब बाइसेक्टर बोलने का। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एंगल को इसके इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा और ये एंगल को इसके इक्वल। जैसे ही आपने ये प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब आपका OR क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर। अच्छा भैया, ऐसे डायरेक्ट प्रूफ करेंगे क्या? नहीं, किसका ध्यान, किसका हेल्प लेंगे, दोनों ट्रायंगल का हेल्प लेंगे। जब आप ट्रायंगल का हेल्प लोगे तो इसमें कुछ सेम दिख रहा है क्या? एक चीज़ आपको दिखेगा, देखो ये 90 डिग्री, रीज़न क्या आएगा बोलो भाई, फटाक से बोल दो, कमेंट बॉक्स में डालो फटाक से। टेंजेंट थियरम नहीं देखा आपने, पहले वीडियोज़ देखो क्योंकि उसमें सब कुछ अच्छे से बताया है। देखिए स्टार्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा दो ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, इन ट्रायंगल OMR एंड ट्रायंगल ONR। जब मैं ये दोनों ट्रायंगल की बात करूंगा तो सबसे फर्स्ट मैं क्या लिखूंगा, मेजर एंगल OMR इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ONR। रीजन क्या आएगा, ईच 90 डिग्री, और क्यों, टेंजेंट थ्योरम। ये दोनों आपने लिख दिया, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, देखो ये आपका क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, साइड MR इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड NR। रीजन क्या आएगा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये ध्यान दीजिएगा, ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के थ्रू होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला देखो, OR, OR क्या आपका हाइपोटेन्यूस है, तो क्या लिखूंगा, हाइपोटेन्यूस OR इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूस OR। इसका रीजन क्या लिखोगे आप, कॉमन साइड। जब आप कॉमन साइड लिख दोगे तो फिर आपका ये जो ट्रायंगल होगा, देयरफॉर ट्रायंगल OMR इज सिमिलर, क्या हो जाएगा ये, सिमिलर, बट आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर हो गया सिमिलरिटी वाले चैप्टर में, ट्रायंगल OMR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONR। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब इसमें ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NOR। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, और सेकेंड अभी हम लोग ने MOR मतलब ये वाला एंगल लिया और NOR मतलब ये, अब मुझे ये लेना है तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल MRO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO। इसका रीजन क्या आएगा, CACT। उसके बाद आप क्या लिखोगे, देयरफॉर सेगमेंट OR इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन से एंगल का, एंगल MON एंड एंगल MRN। रीजन क्या आएगा, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बस इतना आपने कर दिया, आपका सम प्रूव हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, सर्कल विद सेंटर ओ, दो लाइन है, दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, और यहाँ से एक सेगमेंट गया, और आपको क्या पूछा है, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। भाई लोग, इसके बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो अगर आप लाइन एल और लाइन एम देखें तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ए बी होता है। ए बी मुझे कब मिलेगा, जब मुझे ए ओ और ओ बी मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो ए ओ और ओ बी आपका क्या है, रेडियस है। तो AO का वैल्यू आपको कितना है, 4.5 है, और इसका भी वैल्यू कितना है, 4.5। मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। चलिए जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, OA परपेंडिकुलर टू लाइन L, फिर उसके बाद OB परपेंडिकुलर टू लाइन M। रीजन क्या आएगा, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम है। देयरफॉर
और क्या बोला है, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, देयरफोर क्या हो जाएगा, ए डैश ओ डैश बी हो जाएगा। ये सब पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। अच्छा, अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं देयरफोर आप क्या लिख सकते हो, सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। अच्छा, ओ ए और ओ बी का वैल्यू कितना दिया, 4.5 प्लस 4.5, इसका रीजन आपका क्या आ जाएगा, गिवन विच इज इक्वल टू 9 क्या, सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर द डिस्टेंस क्या पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एल एंड एम, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एल एंड लाइन एम इज 9 सेंटीमीटर। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया, प्रैक्टिस सेट 3.1 ये क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। तो वेट करिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन के लिए, दैट इज योर प्रैक्टिस सेट 3.2। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।